हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अल्टरनेटर को कैसे चेक करें कि हमारा अल्टरनेटर सही है कि ख़राब है, बैटरी चार्ज कर रहा है कि नहीं चार्ज कर रहा। तो यहाँ पे एक गाड़ी, यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेटर का बत्ती लग रहा है और यहाँ पे वोल्टेज जो है 23 वोल्ट दिखा रहा है। इसको हम जब रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है वोल्टेज नहीं बढ़ रहा है, लाइट लग रहा है उसी भी नहीं बढ़ रहा था और यहाँ पे अल्टरनेटर की बत्ती भी लग के रह रही है। तो आज इस वीडियो में बताएंगे अल्टरनेटर को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करें कि हमारा अल्टरनेटर सही है कि ख़राब है, कि वायरिंग का प्रॉब्लम है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ऐसे गाड़ी है जिसका अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है, चलिए वीडियो में देखेंगे। अबे मीटर में जो 23 वोल्ट दिखा रहा है और इनका अल्टरनेटर का भी लाइट रहा, चले देखते हैं चालू हो रहा गाड़ी नहीं। तो यहाँ पे गाड़ी जो चालू हो रहा दोस्तों, लेकिन इनका अल्टरनेटर का बत्ती ना का लाइट नहीं जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टरनेटर अगर हमारा ख़राब है तो ये दो चीज़ चेक करना ज़रूरी है। चलिए बैटरी कटआउट करेंगे तो बैटरी कटआउट करते हमारी गाड़ी बंद हो जाएगा, तो समझ जाने का हमारा अल्टरनेटर ख़राब है। तो चलिए बैटरी कटआउट के पास चलते हैं। ये देख सकते हैं गाड़ी जब चालू है, अरे यहाँ पे कटआउट के पास आते हैं, जैसे हम गाड़ी को कटआउट करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए, तो बैटरी कटआउट के अंदर गाड़ी बंद हो गया, यानी कि अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है, अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा और वहाँ पे वोल्टेज भी नहीं बढ़ रहा है। चलिए अभी इसका अल्टरनेटर खोलेंगे और उससे पहले अल्टरनेटर के पास हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज वहाँ पर जो है 22 वोल्ट या 23 वोल्ट जो है यहाँ पर आ रहा कि नहीं आ रहा, वो कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका अल्टरनेटर जो है लोकास TVS का है। तो यहाँ पे एक बार हम वायरिंग चेक कर लेंगे क्योंकि वायरिंग का पिन उन टूटा रहेगा। तो यहाँ पे जो है वायर बिल्कुल सही दिख रही है। तो चलिए एक बार यहाँ पे वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं वोल्टेज जो है आ रहा नहीं। अभी मल्टीमीटर से चेक करते हैं अल्टरनेटर के पास वोल्टेज आ रहा नहीं, वो कन्फर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस वाला पॉइंट यहाँ पर दे दिया है और प्लस वाला पॉइंट ये भी है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। एक बार दूसरे मल्टीमीटर से चेक करते हैं, देख सकते हैं हमने यहाँ पे पकड़ा हुआ है जो वायर का प्रॉब्लम था। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड दो ना, यहाँ पे पट्टी में तो हमने ग्राउंड अभी दूसरे जगह दे रहे हैं। अभी देखते हैं पॉजिटिव वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 20 वोल्ट के पास। तो यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारा सही आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हमने पकड़ा हुआ है। चलिए अभी अल्टरनेटर को खोलेंगे बाहर और उसके बाद जो है देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। खोल लिया है तो अल्टरनेटर में कुछ आवाज़ तो नहीं आ रहा है, एकदम फिर ही घूम रहा है, जाम भी नहीं। चलिए इसको बाहर लेते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सेव कर लो। तो यहाँ पे अल्टरनेटर नया है, देख सकते हैं अभी नया डाल के चेक करेंगे। तो इसमें जो था लोकास का था TVS का, तो इसमें हम बोस का डालेंगे क्योंकि हमारे पास लोकास का नहीं मिल रहा है, इसके वजह से हम बोस का डाल के चलाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं फिट करना। सोच
चलो। यहाँ पे बेल्ट को हमने चढ़ा लिया है, ठीक है, हो गया छोड़ी। तनी बराबर खींचो तो तनी बराबर खींचो, टर्नर खुल गया वाला, बस छोड़ो को लगाएंगे। चलो तेरे का बोल दे दो, तेरे का सिंह पाना। तो दोस्तों अगर आपको अल्टरनेटर की वीडियो देखनी है, अल्टरनेटर में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से जो है बैटरी चार्ज नहीं करती, कटआउट का प्रॉब्लम आता है कि ब्रिज रेक्टिफायर का प्रॉब्लम रहता है, तो आपको वो वीडियो देखनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो जरूर बना देंगे, बोल के दिखाएंगे क्या क्या उसमें रहता है। तो चलिए यहाँ पे अल्टरनेटर को हम फिट कर लेते हैं पॉजिटिव वाला, यहाँ पे हमारा टाइट हो चुका है। फिर उसके बाद हम ग्राउंड वाला टाइट कर लेते हैं, नंबर को चलिए अभी 10 नंबर को टाइट करते हैं। तो ये हम अल्टरनेटर 32 RPM वाला लगा लेते हैं। चलो तो यहाँ पे फिटमेंट पूरा हो चुका है, तो चलिए भी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। उठा ले आके बैटरी कटआउट ऑन करो। तेज वोल्ट अभी दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी बत्ती नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्टरनेटर 26 वोल्ट कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अल्टरनेटर ने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है, तो उससे पहले चलिए देखते हैं बैटरी कटआउट करेंगे, और बैटरी कटआउट करने के बाद गाड़ी बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखेंगे। जो मैं जा रहे हैं चलो कटआउट करें, ये देखते हैं कटआउट करने के बाद गाड़ी बंद नहीं हुआ, अभी चालू हुई है, ठीक है सर कटआउट करें।